जनाबी चेयरमैन, मैं समझता हूँ कि जुल्म और कुफर नहीं, बल्कि जुल्म और कुफर में रियासतें, जुल्म की रियासतें भी नहीं चल सकती। ये तारीख गवाह है कि जुल्म से रियासतें भी टूट गए हैं। हम बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि एहतिसाब हो, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हिसाब व किताब हो, यहाँ पे हम चाहते हैं कि करप्शन की रोकथाम हो, लेकिन जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मौजूदा गवर्नमेंट कर रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में आमिरियती दौर में, आमिरों के दौर में भी इतना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुआ जो आज हो रहा है। और इससे पहले तो एक पर्दे के पीछे होता रहा, कुछ लोगों को नजर आया, कुछ को नजर नहीं आया। आज जो मौजूदा हुकूमत इसको इतना आयां कर चुका है कि वो सिर्फ उन लोगों का एहतिसाब हो रहा है जो अपोजिशन में पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं चेयरमैन साहब, मेरे दोस्तों ने बड़ी डिटेल से नाम लेकर बात किया, ये जो मौजूदा एहतिसाब के नाम पे नैब को इन्होंने व्हाट्सएपों पे और टेलीफोनों पे ये जो फैसले करवा रहे हैं कि किस किस की आपने पगड़ी उछालना है, किस किस को बेइज्जत करना है, किस किस को जेल में भेजना है, चेयरमैन साहब अब पाकिस्तान इन चीजों का मुतामिल नहीं हो सकता। मैं इनको कहता हूं अब भी ये ओश के नाखून ले, इस रियासत पे रहम करें। मौजूदा उस्मान खान ने बहुत पीछे से बात शुरू किया कि जी अफगान जंग, ये साहिबान हमें बताएं जो ये दो साल में सारी पेपर्स मौजूद है कि लोग इन्वॉल्व है करप्शन में, क्या उनको नैब का ऐनक नहीं देखता? यहां पे इखबारात की जीनत बना बहुत बड़ी करप्शन कि जी पापा जॉन पिज्जा, आज भी वो 57 अरब डॉलर का आपने उसको चौकीदार बिठाया है। पापा जॉन पिज्जा ने अपना सफाई तक पेश नहीं किया। आपने जाहिर है अगर वो 57 अरब रुपए भी कहा जाएगा, 57 अरब डॉलर भी कहा जाएगा, आपने उसे पूछा तक नहीं। यहां पे अलीमा खान के हवाले से कि जी सिलाई मशीनों पे अरब पत्ती बन गई, एक दिन उनको नैब ने बुलाया तक नहीं। आपका चीनी माफिया मौजूद आपकी असेंबली में, आपका आटा माफिया मौजूद असेंबली में, दवाई माफिया मौजूद असेंबली में, चेयरमैन साहब एलएनजी केस मौजूदा महीने में, क्या इन सब को ये नैब को नजर नहीं आते? सिर्फ जो अपोजिशन में है, जो पीडीएम में है, जो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, जो इस मुल्क में चाहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स से बाहर हो, जो कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान की आइन है उस पर मनोहन अमल हो, वो पार्लियमान की बालादस्ती की बात करते हैं, वो आजाद अदलिया की बात करते हैं, वो आजाद मीडिया की बात करते हैं, ये सारा सिलसिला उनके लिए है, ये नैब उन्हीं के लिए बैठा हुआ है। एक वीडियो बना के, एक वीडियो चेयरमैन नैब का बना के उसको इतना ब्लैकमेल किया हुआ है कि वो जो भी कहते हैं वो मजबूर है। उस शरीफ आदमी को मेरा मशवरा है, बस कर दे, खुद इस्तीफा दे दे, बजाय कि इतना ब्लैकमेल होने से। और चेयरमैन साहब मैं इनको और बात बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान का तारीख बंगाल बांग्लादेश कैसे बना? जुल्म और ज्यादती से बना। इनको सबक सीखना चाहिए जो अभी कर रहे हैं। चेयरमैन साहब सिर्फ नैब के साथ साथ इनकी जो दो चार चीजें हैं मैं जरूर इस फ्लोर पे रखना चाहूंगा, क्योंकि हमने बहुत कोशिश किया कि ये सेशन हो, रूटीन का सेशन हो, हम आके इसमें बात करें, लेकिन गवर्नमेंट ने सेशन नहीं बुलाया, हमने मजबूर होकर इसको रिक्विजिशन पे बुलाया। चेयरमैन साहब अभी शेख रशीद साहब हुकूमत बलूचिस्तान जो उनका कठपुतली है उसको उन्होंने कहा कि जी एक नोटिफिकेशन कर लें कि जी जो ईरान से डीजल लाया जाता है उसको बंद करें और तमाम पंपों के लाइसेंस कैंसिल कर लें। 12 लाख फैमिलीज, 20-22 लाख लोग ये एक हफ्ते से बेरोजगार हो चुके हैं चेयरमैन साहब, और ये इनकी बेरोजगारी के नुकसान मैं आपको बताऊं कि जब ये बेरोजगार होंगे ये भूख से या तो अलायदगी पसंद तहरीकों के हाथ जाके अपने बच्चे पेट भूख बुझाएंगे, और जनाब चेयरमैन या ये डाकू बन जाएंगे और ये अगवा बराए तावान शुरू करेंगे। एक नफरत जन्म चुका एक हफ्ते से शेख रशीद के एक फैसले से।
बलूचिस्तान में कोई जरिया नहीं है पैसा कमाने का, जमींदार खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया, इंडस्ट्रीज नहीं है। चेयरमैन साहब ये 22 लाख लोग क्या खाएंगे, और वो भी डीजल 30-40 लीटर मोटरसाइकिलों पे वो लाते थे, इन्होंने उनको बंद कर दिया। चेयरमैन साहब ग्वादर में बाढ़ लगाना इन्होंने शुरू कर दिया। आज जो आइटम है वो फर्स्ट है, उसके बाद करें, उसके बाद बाद में क्लब नहीं किया हमने। चेयरमैन साहब मैं अपना उस पे बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, उसको हमने क्लब नहीं किया। मैंने दोस्तों ने उस पर डिटेल से बात किया, मैंने उस पर 2 मिनट लिया, आगे मैं बात करूंगा। चेयरमैन साहब इन्होंने ग्वादर में बाढ़ लगवाना शुरू कर दिया, इन्होंने सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों को विफाक के ताबे करना शुरू कर दिया, इन्होंने बलूचिस्तान और सिंध के साहिल को ले जाने की कोशिश कर दिया। चेयरमैन साहब जब इन्होंने चागी रास्को में धमाका करवा दिया, सारे बलोचे पाकिस्तान में बगले बजाना शुरू हुआ कि जी पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर हुआ। यस आई एग्री, लेकिन अभी पूरा बलोचिस्तान कैंसर की मरज में मुब्तला है, एक अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया, एक अस्पताल नहीं बना। चेयरमैन साहब यहां पे वो जो धमाके से नुकसान थे उसके अजाले के लिए हमारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे वसाइल और साहिल के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत फैसला कर रहा है, ये जनाब चेयरमैन इस रियासत के लिए बहुत नुकसान और बहुत मुश्किल होगा। मैं चेयरमैन साहब इनको अभी भी कहता हूं कि जनाब वाला रहम करो इस पाकिस्तान पे, रहम करो इस पाकिस्तान पे। अगर ये आप 22 लाख 20 लाख लोगों को आपने वहां पे बेरोजगार कर दिया, आप बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल पे सिर्फ, हाँ एक काम और कर लो कि आपको अगर बलूचिस्तान के 1 करोड़ 20 लाख लोग, मैं समझता हूं बोझ है इस रियासत पे, वो आइटम बम का धमाका जो आपने जेर जमीन करवाया, एक जमीन पे करा के हमारी जान खलास कर लो। चेयरमैन साहब हम इतनी मजबूर हो चुके हैं कि हमारे पास लोगों का कारोबार कोई नहीं है, ये एक कारोबार था। मैं आज भी इस फ्लोर से मैं समझता हूं कि समलिंग इसका उसको समलिंग का नाम दिया गया, लेकिन 20-20, 40-40 लीटर तेल जो मोटरसाइकिलों पे ले जाया जा रहा है, और ये जो इतनी बड़ी नाम, ये जो BRT का केस, बाजी अलीमा केस, बिलियन ट्रीज केस, खुसरो बख्तियार केस, अलीम खान केस, परवेज खटक केस, पापा जाम पिज्जा, चेयरमैन ये इन सब पे तवज्जो दे दें, इसके साथ हम लोगों पे रहम करें। मैं समझता हूं कि हमें इतना दिक्कत देखे आज दीवार से लगाया गया है। मैं समझता हूं कि ये पुराना जो बंगाल और बांग्लादेश वाला सिलसिला था, लोग नफरत की तरफ जा रहे हैं, लोगों के जहनों में नफरत हो रहा है, नफरत पैदा हो रहा है, तो उन नफरत को रोकने के लिए और ये सिलसिला अपना बंद करें, और जो मौजूदा लोग कि जो इखबारात की जीनत बन गए हैं और डॉक्यूमेंट और प्रूफ के साथ मौजूद है, उनके खिलाफ भी नैब बिस्मिल्लाह कर लें। अदरवाइज मैंने जो चेयरमैन नैब को मशवरा दिया था उस पर वो सोचे।